पर छापेमारी अभियान चला रही है, जिसके तहत आज सिधारी थाना पुलिस को सूचना मिली कि आजमगढ़ सिधारी थाने क्षेत्र के हथिया गांव में नदी के किनारे कुछ लोग अवैध हथियार बनाते हैं। सूचना को सही पाते हुए पुलिस ने मौके पर छापेमारी की, जहां से दो अभियुक्तों को मौके से गिरफ्तार किया। यह एक युवक पहले भी कई मुकदमों में वांछित रह चुके हैं। वहीं पकड़े गए अभियुक्तों के पास से एक दर्जन से ज्यादा निर्मित तमंचे और कारतूस और हथियार बनाने के औजार बरामद किए, साथ ही 14 अर्धनिर्मित असलाह भी बरामद किए। वहीं मीडिया से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर ने बताया कि पकड़े गए अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एसटी की कार्रवाई करते हुए इनकी संपत्ति का भी जब्तीकरण किया जाएगा और विधिक कार्रवाई करते हुए आज इन अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा है। साथ ही पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल ने बताया, गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम के लिए इनाम की संतुष्टि भी की गई है। इस तरह का अभियान आगे भी चलाया जाता रहेगा। जहाँ पे खरपतवार थी और जहाँ जंगल था, इसके यहाँ पर शस्त्र बनाने की एक फैक्ट्री चल रही थी, जिसमें दो व्यक्ति जयप्रकाश और राजेश नाम से पकड़े गए और इनके पास से निर्मित एक दर्जन शस्त्र पकड़े गए और 14 अर्धनिर्मित शस्त्र इनके द्वारा इनसे पकड़े गए हैं। ये इनके खिलाफ पहले भी मुकदमे थे, जयप्रकाश है इसके 5 मुकदमे पहले से हैं और राजेश के 4 मुकदमे पहले से हैं। तो इन दोनों लोगों को गिरफ्तार किया गया और कारतूस भी इनसे बरामद हुए हैं। पुलिस टीम को एक अच्छे कार्य के लिए इनाम के लिए संस्तुति करी गई है इनकी, और क्योंकि इनके पहले